उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में विजेता हुए सभी प्रत्याशियों को आज शपथ दिलाई गई। शपथ में सभी लोगों ने जोरदार अपने प्रत्याशियों का स्वागत किया, जो जीतने के बाद में चेयरमैनशिप का पद लेकर के बैठे हैं या जो पार्षद या जो फिर सांसद सभासद बन के बैठे हैं उनको आज पद की शपथ दिलाई गई। और शपथ लेने से पहले उनके कार्यकर्ताओं ने जम कर के ढोल ढोल और नगाड़ों पर डांस किया, ढमक झूमे हैं और उसके बाद में उन लोगों ने शपथ लेनी शुरू कर दी है। हम कस्बा छतारी में हैं, जहां पर बुलंदशहर के अंदर कस्बा छतारी पड़ता है, जहां पर चेयरमैन पद के प्रत्याशी हाजी सलीम जो बसपा के कैंडिडेट रहे थे वो जीतने के बाद में उनके कार्यकर्ताओं ने जम कर जोश और खरोश के साथ में बेहतरीन तरीके से एक जुलूस के साथ में उनको लेकर गए। और उसके अलावा जो सभासद यहाँ से जीते थे उन सभासदों ने भी जम करके अपने ढोल नगाड़ों के साथ में उनका इस्तकबाल किया गया, यानी कि उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद में सभी ने जम करके किस तरीके से खुशियां मनाई हैं। आज शपथ लेने के बाद में सब अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले आ चुके हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बन गई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके जो समर्थक हैं वो कितनी बेहतरीन तरीके से ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा जब बसपा के कैंडिडेट यानी कि जीतने के बाद में चेयरमैन हाजी सलीम को शपथ दिलाएगी, तो बाद में बीजेपी के शिकारपुर से जो विधायक हैं अनिल शर्मा, उन्होंने आकर के उनको मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने के बाद में उनका बाद में अपना वक्तव्य भी रखा। उन्होंने हाजी सलीम को मुबारकबाद देने के बाद कहा कि आप अपना अच्छा काम करिएगा, वो भी सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। हमारे सभासद बंधु, नगर निर्वाचन चेयरमैन साहब, सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ। आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में एक साथ आज शपथ हो रही है। उसी के क्रम में छतारी में मेरे यहाँ शिकारपुर में पासो में सब जगह शपथ का कार्यक्रम है। सभी नव निर्वाचित अपने साथियों को मैं बधाई देते हुए ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की जो नीति है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, उसके साथ मिलकर के काम चलेंगे करेंगे। और छतारी कस्बे को जैसे पहले भी हम लोगों ने यहाँ विकास करने का काम किया है, अभी इससे पहले दीनदयाल उपाध्याय आदर्श योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपया छतारी को मिला, जिसका पूरा काम चल रहा है। अभी उसका लोकार्पण भी हम लोग करेंगे। अजय जी नए चेयरमैन बने, अब और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रयास करके यहाँ विकास के लिए पैसा ला करके छतारी का समग्र विकास करने का काम करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी काम हुआ, पहले जब हम पहली बार जब मैं विधायक हुआ 2002 में, छतारी के लिए 4 सबसे बड़ी मांगे थी। एक तो यहाँ छतारी में बिजली घर नहीं था, काली नली फीडर से सारे आपके आसपास के गांव और छतारी में बिजली आती है, ऐसा ही है कि नहीं है। पहली बार 33 केवी का सब स्टेशन छतारी में बनाने का काम हम लोगों ने किया, इसका लोकार्पण किया गया। एक हॉस्पिटल यहाँ दिया गया, और जब आप लोग बुलंदशहर या पुर्जा जाते थे वो छोटी सड़क जो पूरी टूटी हुई थी 80 करोड़ रुपए की लागत से 2003 में इस सड़क को बनाने का काम किया। अंदर सारी गलियां हमारी कच्ची थी, जहाँ रामलीला होती है पूरा मैदान कच्चा था, जहाँ अहरिया समाज रहता है वो सारा हम लोगों ने इंटरलॉकिंग कराने का काम किया। अब नया एक नई व्यवस्था बनी है उत्तर प्रदेश में, पूज्य महाराज जी की योगी जी की सरकार है, यहाँ जी चेयरमैन है, मैं आपका सबसे छोटा सेवक हूँ। मिल करके फिर छतारी को नया देंगे, पूरा विकास कराने के काम करेंगे। इसी के साथ सारे जो हमारे सभासद जीते, जो हमारे चेयरमैन है पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जो चेयरमैन जीते हैं उनके साथ मिल करके सारी चीजों को भुला करके कदम से कदम मिला करके आम जन के लिए, आम जनता के लिए, लोगों के लिए काम करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।